अल्लाहुम्मा कुल्ले वली के करम व जज़्ब ने हसन तस्करी अलैहि सलाम सलावत का लेके औलाद इल्मासूमी फियाद साथ व फी कुल साथ में साथ तकरीबन नहार वली को हाफिज व कायद व नासिर व मदरी व आइन हता तो उसके नबू अल्लाह का तवल व तवतहु फीहा कबीला या रब मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आल मोहम्मद व अजरुल फराजा आल मोहम्मद अल्लाह या रब हुसैन अलैहिस्सलातु व सलाम बिहक हुसैन अलैहिस्सलातु व सलाम इश्फ़ सद्र हुसैन अलैहिस्सलातु व सलाम बिज़हूरन हुज्जतुल कायम अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अजरुल फराजा आल मोहम्मद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल नारे हैदरी या अली हैदरी या अली सैनियत जिंदाबाद सैनियत जिंदाबाद सैनियत जिंदाबाद सैनियत जिंदाबाद या इमाम अल मुंतजर अल्लाह या इमाम अल मुंतजर अल्लाह या इमाम अल मुंतकिम अल्लाह या वारिस खून हुसैन अल्लाह या वारिस खून अब्बास या वारिस खून अली अकबर या वारिस खून अली असगर अल्लाह बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया आलिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला शरुल्लाहि फी कुल्ल मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्ल मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमतुल दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन व मगरिबैन मदीनतुल बिल मुसकरैन शरीक अल कुरान मज़ल अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ि अल ज़ुल्म व अल-उदवान इमामुना व इमाम अल-जिंस व अल-जहान साहिब अल असरी व अल अमर ज़बान दरूद पढ़ें शहंशाह के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मेरा पहला चांस है आपके इलाके में और सैयद साहब के मकान पे जिक्र आले मोहम्मद करने का। कैंट में पढ़ गया हूँ सियालकोट, मैंने बहुत ज़्यादा खिताब नहीं, लेकिन मैंने आपके पूरे सियालकोट में 15-16 खिताब की हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार के एहसान से, चहारताए मासूमीन के करम से, साहिब ज़मान की बरकत से जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं अपने इमाम की वकालत करने पहुँच जाता हूँ। क्योंकि बचपन में एक बात सुनी थी कि वकील जो अदालतों में केस लड़ते हैं उनका काम यही होता है जिसकी वकालत करें उसको डिफेंड भी करते हैं। बचपन से सुना था, तो जब ये बात सुनी इसको सिर्फ सुनने की हद तक नहीं अपने अंदर उतारा कि नहीं भाई, अगर आले मोहम्मद के घर की वकालत करनी है आपने तो कोशिश करना ये वो जाते हैं कि जो रखते किसी का नहीं। क्योंकि पहला तारफी प्रोग्राम है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा तारफ हो जाए। हम इस घर के देखे ना, मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे। जर्मनी में गया, म्यूस्टन में मदरस पढ़ी। सैयद साहब मेरे खिताब के बाद उठ के मेरा माथा चूमते हैं, मुझे कहते हैं जी मैं पता है किनको चूम रहा हूँ। मैंने कहा जी नहीं, कहने लगे जब आपसे निस्बत है मैं उस निस्बत को चूम रहा हूँ। मैंने कहा बड़ी बात है, मैंने कहा कुछ कहना चाहेंगे? फरमाने लगे हाँ मैं कहना चाहूंगा, एक बात ज़हन नशीन रखना। मुझे खुशी हुई कि पूरी दुनिया में आप पैगाम आले मोहम्मद फैलाकर मेहनत जो करते हैं आप करके किसी से कुछ ना लेकर दुनिया को बता रहे हैं आले मोहम्मद के घर से निस्बत देती है लेकिन नहीं। क्या बात है। और उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की, मेरा दिल है नौजवान सैयद बच्चे हैं माशाल्लाह बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की मेरा दिल में शेयर करता जाऊं। उन्होंने फरमाया था कोशिश करना सैयद सफेद चादर है, कोशिश करना सफेद चादर पे दाग न लगे सफेद नहीं रहती। उनका एक जुमला था, मैंने कहा मैं अर्ज करता जाऊं तो कोशिश करनी है हम सबको मिलकर सादात को कम से कम सरदारी कायम। मैं अभी आपके इलाके में गुफ्तगू करके आ रहा हूँ, वहाँ एक बात जो कि मेरी कोशिश होती है मजलिस के अलावा, मजलिस में हमारा मयार हमारी ख्वाहिश हमारी सोच कुछ और होती है, लेकिन चूंकि एक नशिस्त का प्रोग्राम है मेरी यहाँ ये भी ख्वाहिश होगी मैं 10 से 15 मिनट आपके सवालात भी लूंगा। अच्छा है ना, अंदर से कुछ निकले, कोई मसले हैं वो भी बेहतर हो जाए। तो वहाँ एक साहब फरमा रहे थे कि सादात का इकराम इज्जत कितनी जरूरी है, जरा इन सबको बताइए। मैंने कहा जी इस पे तो ढेरों बातें हमारी कुतुब में लिखी हैं, लेकिन मैं मुखातिब सैयदों से हूँ, कोशिश करो कहीं की इज्जत ना करवाओ। मैं मानी कोशिश करो कहीं की इज्जत ना करवाओ, और मेरी इज्जत करो, नहीं ये कोई इज्जत का बयान नहीं। अपना किरदार इतना बुलंद करो कि लोग देख के कहें आले मोहम्मद की निस्बत ये है तो वो कौन है। बहुत शुक्रिया। चलो थोड़ा सा ज़हन में तारुफ भी आ जाए, अभी कौन शख्सियत आए हैं, कहाँ से आए हैं, दूर से नहीं आए, आपके करीब लाहौर से ही आए हैं, एहसान लगाने नहीं आए, शुक्रिया अदा करने आए। देखो यार आपस में बैठे हैं तबलीगी जमात वाले जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज उनकी बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि इस वक्त बात लाइव नहीं जा रही, आपस में बैठे हैं, मिंबर होता मजलिस होती, हजारों का मजमा होता तो शायद वहां ये मैं बात न करता। तबलीगी जमात वाले अल्लाह का तारुफ चप्पे चप्पे करा सकते हैं, हम मौला कट करा सकते हैं। क्या हमारी पहले रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं कि पहले ये होगा तो मैं आऊंगा? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। बाकियों का नहीं, सैयद सरदार है, सैयद का मतलब सरदार है, सरदार पर भी सरदारी कायम रखनी चाहिए। अगर वो अल्लाह का तारुफ बेलौस होके करा सकते, हम सबको मौला का तारुफ बेलौस होके करा। दरूद पढ़े मैं दो मिसरों से आगाज करने लगा हूँ, बहुत तवील खिताब नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में और पढ़ूंगा, उसके बाद में 10-15 मिनट आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैं दोनों से आगाज में सही सरकार देखना मेरी तरफ है, माशाल्लाह बड़े बड़े उलमा को सुन बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए और लाते रहेंगे इंशाल्लाह, वक्त के बड़े पाबंद हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सही सरकार दोनों से आगाज करने लगा मैं अपने खिताब का कि तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद। मैं फिर दोहराता हूँ, मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की, उर्दू स्पीकिंग वालों के लिए मैंने आसान से आसान बात की है। मैंने न फारसी बोली न अरबी बोली, बड़े आसान अंदाज में अपनी आपकी जबान अपनी जबान से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें बहुत बड़ा पैगाम छुपा है। तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद। पूरी करबला वफा के गिर्द घूमती है, पूरी करबला, जहां से जिस जाविये से भी देखो वफा ही वफा, जिस अंदाज से देखो वफा ही वफा। वफा में क्या चीज छुपी होती है, कभी इस पे भी गौर किया? बस इसी दो मिसरों में अर्ज करके इसी की तशरीह करूंगा। तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। समाज की क्या बात है, माशाल्लाह सियालकोट। मेहरबानी तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। ये पूरी करबला इन दो मिसरों में, पूरी करबला बंद है। मुतवज्जे मेरी तरफ रहिएगा, स्पीकर चल जाए बिस्मिल्लाह ना चले कोई इसकी जरूरी नहीं, आप तक बात मेरी पहुंचेगी, मुतवज्जे रहिएगा। पूरी करबला वफा के गिर्द। अब देखते हैं वफा के मयार का कमाल क्या है। भाई वफा कहते किसे है, वफा करके तो दिखाई है लेकिन अभी तक हमने इस पे पूरा गौर नहीं किया। वफा के मयार का कमाल क्या है, वफा किसे कहते हैं। सबसे पहली वफा की तारीफ ये है, जिससे मोहब्बत करो, जिससे भी करो मित्रों देखना, जिससे भी मोहब्बत करो वफा कहती है। कोशिश करना, ले दे की बुनियाद पे ना करना, महबूब समझ के मोहब्बत करना। वफा कहती है जिससे भी मोहब्बत करो, तकाजा ना रखना, डिमांड ना रखना। मैंने मोहब्बत की, मुझे मिलेगा क्या? वफा कहती है अगर तुमने डिमांड रखी तेरी वफा में फर्क आ जाएगा, वफादार भी तो कहला सकता है। वफा कहती है जिससे भी मोहब्बत करना, बगैर तकाजे के करना, मुझे क्या मिलेगा ना, ये मिल गया काफी है। नहीं मैं थोड़ा करबला से बाहर निकलता हूँ। मैं जनाब सलमान मोहम्मदी के दौर में आपको ले चलता हूँ। मैं एक बात यहाँ रोक के अर्ज करता जाऊँ, कभी भी कोशिश करना, अगर दिल माने तो कभी ना कहना अल्लाह हमें आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा ना। सैयद करार शाह साहब इनकी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, अच्छी लगे तो कबूल कीजिएगा, ना लगे मेरी तरफ लौटा दीजिएगा, ना लगे कोशिश किया करो, कहा करो परवरदिगार हमारी जरूरत नहीं हम मोहम्मद और उसकी आल के नक्शे कदम पे चल सके, परवरदिगार हमें सलमान के हमें हर के नक्शे कदम पे चलने कभी भी कोशिश करना है, न कहना मोहम्मद और उसकी आल के नक्शे कदम हम चल ही नहीं सकते, हमारी जुर्रत ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं। हाँ ये जरूर कहो परवरदिगार हमें आले मोहम्मद के सच्चे आशिकों के नक्शे कदम पे चलें, शायद उनके नक्शे कदम पे चल के हम अपनी हकीकत तक पहुंच जाएं। जनाब सलमान मोहम्मदी कमाल का वफादार, वफा का मयार कितना कमाल है, एक दफा नहीं कई दफा अलाओ कुल्ले शायन कदीर के जमीन पे मजहर मेरे पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक मुर्तजा अलैहिस्सलातु वसलाम ने सलमान हमसे कुछ मांगा, कहा मैं तो वफा करता हूँ बेवफा थोड़ा, सलमान हम उससे लेके दे सकते हैं, कुछ मांग का आका जिनको आप जैसे मालिक मिल जाए, जैसे आका शहनशाह सरदार मिल जाए, वो चीज मांगू जो आपके टक्कर की हो। पहुंच गया तो मैं मशहूर हूँ आपका, कम से कम आपके टक्कर की यानी आपके बराबर की मांगो कोई चीज, जब कायनात में आपके बराबर की चीज ही कोई नहीं। आपकी क्या बात है आका, आप मिल गए ना, और मुझे अल्लाह से क्या चाहिए? हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के आखिर में क्या करते हैं? सलाम, अस्सलाम वालेकुम या शरीकल कुरान, नहीं मेरी तरफ नहीं देखेंगे माशाल्लाह, मेरी तरफ मत बजे रहिएगा सैयद, मेरी तरफ देखना है। ये और बात है हमारी आदत बन गई जल्दी जल्दी सलाम करके हम अस्सलाम वालेकुम, नहीं नहीं नहीं, एक एक सलाम में इमाम अपने अंदर समंदर रखता है। देखो अंदाज देखो, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, घूमते 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 करबला, ताजमहल, नजफ, फिर वापस आए, फिर काबे की तरफ रुख किया, पहला भी काबे की तरफ रुख था, अब भी काबे की तरफ रुख है। पहले सीधे थे अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, करबला के लिए भी सीधे थे, ताजमहल के लिए भी सीधे थे, नजफ के लिए भी सीधे थे, जो हिमादी का नाम आया जो गए बादशाह का नाम आया झुक गए, इतने झुके के झुक गए, और सलाम का आगाज किया अस्सलाम वालेकुम या शरीकल कुरान। आज तक मेरी कौम को तशरीक करके बताया ही नहीं गया कुरान इमाम का शरीक है या इमाम कुरान के शरीक। एक मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है, इसके लिए वक्त चाहिए, बल आखिरी सलाम हम करते हैं अस्सलाम वालेकुम या साहिबल असर वल अमर ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मैंने फितनत ज़मान, मैंने जौरे ज़मान, मैंने शर्र शैतान, कहते हैं ना सलमान करता जाऊं। सलाम वो हमारा आप पर आए जमाने के साहिब। क्या बात है, आपने खूबसूरत ला दी इस जुमले पे। कभी साहिब के लफ्ज से गहराई तक कभी सोचा साहिब कहते किसे है? नहीं, सिर्फ एक झलक दिखाने लगा। तब जो आपने सियालकोट में बर्थ में खड़े होकर बड़त है ना जी, बड़त में खड़े होकर मौला को कहा अस्सलाम वालेकुम या साहिबल असरी वल अमर ज़मान अल अमान मिन शर्रि शैतान। मैंने लाहौर में खड़े होकर कहा, कराची वालों ने कराची में खड़े होकर कहा, इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद खड़े होकर कहा, उसी वक्त तुर्की वालों ने तुर्की में कहा, यूरोप वालों ने यूरोप में कहा, अमेरिका वालों ने अमेरिका में कहा। और ये भी तहकीक है, कोई कायनात का खित्ता ऐसा नहीं जहां अली वाला ना हो, मौजूद है पूरी रूह जमीन पे। पूरी रूह जमीन के लोगों ने कहा बचा लिए अल अमान, पनाह दीजिए, बचा लीजिए शैतान के शर से। कायनात का साहिब उसे कहते हैं जो एक वक्त में पूरी दुनिया में मौजूद हो। एक वक्त में पूरी कायनात में साहिब मौजूद हो, मौजूद होते हैं ना, बस इसी मौजूदगी को अंदर तक हमने हलक से नीचे ले जाना है। इस मौजूदगी को भी जबान तक हम समझते हैं। हाँ भी मौला मौजूद है, मैं आप सबसे कहूँ, आप मुझसे, हम सब कहेंगे हम मौजूद हैं, मौजूद हैं तो हम खड़े होकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या साहिब, ऐ जमाने का साहिब, ऐ अमर का मालिक, अल अमान बना देना, बचा लेना, अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन जौर ज़मान, मिन शर शैतान, मौला शैतान के शर से बचा लेना। और ये है हलक से नीचे क्यों नहीं हमारा यकीन? जिस दिन हलक से नीचे यकीन आ गया, मुझे इस जिक्र की कसम, हम गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। नहीं करे कराचिया साहब, मैंने यहाँ पे घर कोने में खड़े होकर नमाज पढ़ी, मेरा पूरा यकीन है मेरा यकीन है मौला सुन रहे हैं, नमाज में मेरा यकीन है, बाजार चलते हुए मेरा यकीन है मौला मुझे देख रहे हैं। बाजार में चलते हुए भी मेरे यकीन इतना तमाम होना चाहिए मेरे मौला, और मौला का फरमान है जहां तुम अकेले हो अपने आप को अकेला ना समझा करो, दूसरा मैं होता हूँ। बादशाह हमारे साथ है, थोड़ा सा यकीन बढ़ाना होगा, मयारे यकीन हलक से नीचे उतारना होगा। हमारे इमाम देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह मौला के सदके अब तक कितनी बीमारियां, कितनी तकलीफें, कितनी टेंशनें मुमनीन तक मौला ने नहीं आने दी। सरकार का फरमान आपने कई दफा सुना होगा, उलमा से, खुतबा से, ज़ाकिरीन से, मुकर्ररीन से, तुम एक कदम नहीं चल सकते जब तक मेरा दस्ते शफ़क़त तुम्हारी कमर पे ना हो जाए। आपस में बैठे हैं, अपने जाती दुश्मन से बचने के लिए गार्ड बिठाते हैं, जो हमें हर किस्म के दुश्मन से बचाए उसे तो साहब कहते हैं। तो कोई नहीं आएगा, कमरे में अकेले बैठे हैं, खुदा की कसम अगर हम दिल की गहराई से कहें मौला हमें बचा शैतान के चर से, कमरे में बैठे हैं कोई बचाने वाला नहीं, हमने मोबाइल खोला शैतान ने हम पे हमला किया, निकालो कोई गलत साइटें, उस वक्त इमाम से मदद मांगो, मौला तू मेरे साथ है, तेरा हया करना ही तो विलायत का कमाल है। आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बात चल पड़ी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दे। जनाब सलमान बात बोली तो नहीं, घबराए हुए तो नहीं, माशाल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह करूं से ये सरकार आपकी, ये महफिल आपका, ये इनाकात बादशाह अपनी बारगाह में इंशाअल्लाह शर्फ कबूलियत बख्शा है तो ये हुई है। बादशाह इसको क्योंकि मेरा कभी नहीं कहता मेंबर में खड़े हो गए मजालिस पढ़ते हुए मौला ये मजलिस अपनी बारगाह में कबूल कर, नहीं मेरा मौला कबूल ना करे तो मजलिस हो ही नहीं सकती। नुसरत में शुमार फरमाए, ये हमारी काविश को दिखावे में शुमार ना फरमाए, खलूस के कमाल मयार पे होनी चाहिए। खुदा की कसम दिखावे की इबादत का 1% भी सवाब नहीं है, ये नहीं नशीन कीजिएगा। जरा बराबर भी दिखावा, मैंने मजलिस पढ़ी, मैंने मजलिस पढ़ाई, मैंने लंगर खाया, मैंने लंगर खिलाया, सारी इबादत गई। बड़ा खूबसूरत जुमला कह गए। उनसे किसी ने पूछा इमाम तक पहुंचने का बेहतरीन और आसान रास्ता क्या है, उन्होंने कहा अपने अंदर से मैं निकाल दो। उनसे पूछा गया मैं निकालने का, उन्होंने कहा कोई काम नहीं करो, ये ना कहो मैंने किया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने रोजा रखा, मैंने मातम किया, मैंने मातम करवाया, मैंने लंगर खाया, मैंने लंगर खिलाया। उनसे पूछा गया फिर क्या कहें, कहने लगे इमाम के होते हुए मैं अच्छी नहीं लगती। वो कहने लगे कोशिश करो नेक काम करके खाओ, इमाम की तौफीक है, मौला की तौफीक, अगर वो ना होती तो मैं कौन हूँ। बड़ा आसान सा रास्ता इमाम तक पहुँचने का। ये जब इंशाअल्लाह मैं वैसे भी कहते हैं ना मैं करने वाले छुरी देते हैं बकरी ना, ये हमारा हक नहीं, मोमिन का हक नहीं किसी काम को कह मैंने किया, कर ही नहीं सकता बंदा कुछ कम से कम। ये छोटी सी चीज आज के सबक के तौर पे हम ये दूसरी पहली वो चीज इमाम को हम वक्त हमने अपने सामने रखना है। बादशाह हमारे साथ है, कोई गुनाह इंशाअल्लाह सरजद नहीं होगा। और आप उसकी बात है, जब गुनाह सरजद नहीं होगा तो फिर मोमिन माफिया थोड़ा मांगेगा, मोमिन तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये मोमिन का मयार नहीं। मैं पढ़ बैठा हूँ, मौला फरमाते मेरा मोमिन का मयार नहीं, वो गुनाह करके माफिया मांगता फिरे। मोमिन वो है जो लम्हे लम्हे शुक्र अदा करता है। मयार मोमिन वो जी गलती हो गई और माफी। और ये भी अर्ज करता जो बात रोक के सैयद सरकार की मौजूदगी में और इतनी सादात बैठे हो माशाल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह करूं। मोमिनीन आपको भी करोड़ों सलाम, आपकी जूतियों को सलाम, आदमियों की जूतियों को सलाम, लेकिन इरफान समझने की कोशिश जरूर करना। खुदा की कसम इमाम फरमाते हैं मेरा मोमिन गैरतमंद होता है और गैरतमंद कभी गुनाह नहीं करता। छोटी सी इशारा तक मैं बात कर गया, जो पहुंच गया हूं मैं मजबूर हूं आपका। थोड़ी सी कड़वी बातें जरूर होंगी, ना मैं अपना वक्त जाया करने आया हूं ना आपका वक्त। इमाम मुझे देख रहे हैं, मैं इमाम की बारगाह सुरखरू होने के लिए, आपको भी सुरखरू कराने के लिए खड़ा कर रहा हूं कि कम से कम छोटी छोटी कोताहियां हम अपने अंदर से निकाल लें ताकि मयारे कमाल पे पहुंच जाए, ताकि दुनिया से जाने के बाद जनाजे बड़े बड़े होने के मोहताज ना हो। कायनात का बड़ा जो जनाजे में आ जाएगा, किसी और की क्या जरूरत है। तो किरदार हमारे मजबूत, क्योंकि बादशाह का फरमान है मुझे तलाश करने की कोशिश ना करना, तुम ऐसे बन जाओ जैसे हम चाहते हैं, मैं तुम्हें मिलने खुद आऊंगा। मैं तुम्हें मिलने खुद आऊंगा। अब मैं छोटी सी बात करने लगा हूं। अब तक जिसको मौला नहीं मिले कोशिश करें वो अपने अमाल पे नजर सानी करें, जिनको अब तक मौला नहीं मिले। अच्छा नहीं घबरा गया, बड़े बड़े उलमा के साथ जो मैं बैठा हूं, नशिस्तें हुई हैं, मैंने ये बात रखी उनकी हिम्मत में और खूबसूरत उन्होंने तारीफ फरमाई है। मैंने कहा लिखानी कुतुब में बच्चा छोटा इतना कमाल मंजिल पे होता है, ना अपनी मर्जी से हंसता है ना अपनी मर्जी से रोता है, बैठे बैठे हंसना बैठे बैठे रोना शुरू कर देता है। मासूम से पूछा गया मौला बच्चा बैठे बैठे हंसता रोता क्यों है? फरमाया मासूम है ना, मासूम का गहरा ताल्लुक होता है मासूम से। गहरा ताल्लुक होता है मासूम का मासूम से। अपने मौला को मुस्कुराता देखते हंसना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब मौला मिलते हैं ना। क्या राम साहब का यकीदा नहीं कब्र में मौला की ज़ियारत होती है? अरे बस यही थोड़ी सी कोशिश कर लो, बचपन में भी होती है, मरने के बाद भी होती है, जवानी में क्यों नहीं होती? इसका मतलब कहीं ना कहीं आमाल में कोई ना कोई कमी कोताही मौजूद है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। इंशाल्लाह बादशाह मिलेंगे। अच्छा नहीं, हम सब कौन है जी? छोटा सा सवाल, हम सब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कहेंगे हम शिया है, ऐसे है ना। लेकिन मासूम से पूछते बोला शिया कौन होते हैं? आपके 11 इमाम का फरमान पूरी जिम्मेदारी। मौला से पूछा गया मौला मुहब और शिया कौन है? फरमाया नहीं। मौला मुहब कौन होता है, शिया कौन होता है? करोड़ों सलाम पाक शहंशाह के पाक जात पर। 11वें बादशाह फरमाते मुहब वो होता है जो हमें चाहता है, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। मैं मुहब हमें चाहता है, शिया को हम चाहते हैं। आपस में बैठे हैं अभी हम सब मुहब हैं, शिया नहीं बने, लेकिन हमने शिया बनना है। कैसे बनेंगे शिया? शिया बनने का अमल भी मैं इतनी देर से खड़ा गुजारिश कर रहा हूँ। शिया बनने के लिए पहली शर्त वफादार होना जरूरी है। नहीं वफादारी की पहली शर्त बताता जाऊँ, जवानों के लिए पैगाम है। वफादारी ये है, ये आंखें इमाम की अमानत है, ये आंखें अल्लामा अब्बास का सलाम करती हैं, ये आंखें करबला की मट्टी को देखती हैं। वफादारी ये है जो 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 चीज उनकी अमानत हो उसमें खयानत ना हो। अरे क्या बात है, मेहरबानी नौजवान बेटा आप सबके लिए बच्चे तवज्जो कीजिएगा। ये आंखें इमाम की अमानत है, जिन आंखों ने इमाम की जियारत करनी हो वो आंखें भला इस काबिल रहती हैं कि वो कोई गंदी चीज देखें। वफादारी है इमाम से, अपनी आंखें पाकीज़ा रखो। अकेले बैठे हो या बंगलों में बैठे हो, बाजार में चलते हो या घर में बैठे हो, कहीं भी हो, आंखें पाकीज़ा। इसलिए ये आंखें अपनी नहीं किसी की अमानत है। आम आंखें नहीं, आपको पता है आलम अब्बास का सलाम सबको नसीब नहीं है, लोगों को देख के भी हम देखा कर देते हैं। मेरा टॉपिक नहीं, मुझे लगा भी अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद के चाहने वालों ने सफीर अमन का भी है, तो मेरे से हमेशा मोहब्बत की बात ही बढ़ती है। मैं तो कभी अंधेरों को बुरा ही नहीं कहता, मैं अपनी कौम को झंझोड़ता जरूर हूँ, बाकी अंधेरों को बुरा नहीं कहता। मैं तो दुनिया को कहता फिर रहा हूँ अंधेरों को बुरा ना कहो, अपने हिस्से का चराग जलाओ। भाई क्या बात है, तुम्हारी रोशनी देखकर दुनिया तुम्हारे साथ आ जाए, यही कहता फिर रहा हूँ आधी दुनिया। फिर बैठा हूँ मौला की इज्जत की कसम, सैयद सरकार इस मुकद्दस महफिल की कसम, फिर बैठा हूँ दुनिया आधी। अभी तक मुझे इस मयार के लोग नजर नहीं आए जिनके बारे में कहा गया हो अगर अली वाले ऐसे हैं तो इनका अली कैसा हो। हमें किरदार को मजबूत बनाना होगा, हमें वफादार बनना होगा। हमारे जिस्म का हर उज़्व वफादारी के लिए है। हमारी जबान आम जबान नहीं, जबान जो अली अली करे, जो जबान इस घर पे दरूद पढ़े, वो जबान आम जबान से नहीं पढ़े। फिर आपस की बात है, वो जबान हक रखती है वो किसी का गिला करे, किसी की गिबत करे या किसी को गाली दे ना ना ना। बस ये छोटे छोटे काम छोड़ दो, वफादारी कमाल भी आ जाएगी। मैं खत्म हो जानी चाहिए। ये अपनी आंखों का हया, कानों का हया, इस शिकम का हया, ये जो पेट है ना ये भी हमारे बड़े खुश नसीब पेट है। पता है सबको लंगर में हुसैन थोड़ा नसीब है, जिस शिक्का में हुसैन का लंगर जाता हो वो शिक्का में हराम न जाए। आपकी क्या बात है। बस थोड़ी थोड़ी ये चीज इंशाल्लाह कवर कर हमारे अंदर भी वफादारी आना शुरू हो जाएगी। अब जब वो साहब कमाल पे आ जाएगी फिर क्या कमाल होगा। हम मसले पे बैठेंगे, अल्लाह को कहेंगे क्या अल्लाह ये मसला हल कर, मसले तो खत्म हो जाएंगे। जो कुछ इंसान की जिंदगी में आते हैं इंसान के अपने हाथों का किया कराया है, सामने आता है मसले टेंशन खत्म। मुसल्ले पे बैठ के फिर अल्लाह को लिस्ट नहीं पेश करेंगे, अल्लाह हम मुसल्ले पे बैठे, अल्लाह हमने तुझ पे एहसान किया, अल्लाह ये मसला हल कर, ये परेशानी दूर कर, ये टेंशन दूर कर। मुसल्ले पे ये नहीं कहेंगे, फिर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह तेरा एहसान, तूने मुझ जैसे को अपने आप से बातें करने का मौका दिया। मजलिस से जाने के बाद ये नहीं कहेंगे कोई पूछेगा कहाँ गया था, ये नहीं कहेंगे मैं मजलिस पे गया था। फिर जब वफादारी कमाल पे आ गई, कोई पूछेगा कहाँ गया था, कहोगे हुसैन ने बुलाया था। उम्मीद है मैं कुछ ना कुछ, आज तारीफी प्रोग्राम था तभी दी मैं हाजिर, मैं घर घर जाने के लिए तैयार, मैं गांव गांव जाने के लिए, जहां जहां आपका ताल्लुक है मुझे हुक्म करो, मैं आने के लिए तैयार हूं। ये सादात की जिम्मेदारी में से है। अगर हम सैयद ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारा दीन बरफरोख्त नहीं, खुदा की कसम बड़े कम कीमत में दीन बेचा जा रहा है। ये दीन बरफरोख्त नहीं, इस दीन को फैलना चाहिए, इस खुशबू को फैलना चाहिए। इरफान के मोती मेरे वसूल करके बाहर बैठ के गलियों में बैठ के कल 2-3 दिन जब तक मेरी बातें याद आई, वाह वाह करना जरूरी नहीं, कमाल लाना जरूरी है। गली में जा रहे हो कोई खातून आ जाए आंखें झुकाना लाज़िम है, इसलिए बाबा नहीं ये आंखें इमाम की अमानत है। नहीं खुदा की कसम नाटो तुम्हारे मसले खत्म हो गए। मेंबर पे खड़ा हूँ तुम्हारी टेंशन परेशान नाटक में कभी नहीं किसी को कहोगे यार दुआ कर, क्यों वफादार जो बन जाओगे। वफादार को तो मोमिन कहते हैं और मोमिन तो खुद दुआ होता है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा टाइम और है हमारे पास, तो मैं कुछ सवाल आपके ले लूं ताकि और ज्यादा अंदर जो है वो कुछ अगर करने को तबीयत है तो और निखार आ जाए। किसी का कोई ऐसा सवाल है कि जो पूछने से घबराता हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा ऐसा सवाल ना पूछिएगा जिसका जवाब आपको मालूम है, जिसका जवाब नहीं मालूम वो मुझसे पूछिए। मौला तक पहुंचने के तरीके मैं बता दिया हूँ, और पूछने और हाजिर। इस वक्त इस दौर में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, बहुत अहम सवाल है। इस तरह की जो सवाल करना चाहो मैं हाजिर। बिस्मिल्लाह शुरू करें। इशारा जो करते हैं जी, इसका सवाल जो है ना, ये क्या मकसद है? इस्तिखारा एक मशवरा होता है। इस्तिखारे के तरीके भी फरमाए गए हैं। मशवरा होता है वो कुरान से भी किया जाता है, वो तस्बीह के दानों से भी किया जाता है। तो एक मशवरा होता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मगर इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये है अपने नफ्स के मुताबिक इस्तिखारा ना किया जाए, अल्लाह का अमर समझ के इस्तिखारा किया जाए। जो हुक्म आ जाए फिर ये नहीं कि एक दफा फिर कर लो, क्या बात है। बस ये कोशिश कर रही है, एक दफा ये करती है, 9 मिनट को दोबारा कर दो। नहीं, इस्तिखारा बिस्मिल्लाह। और किसी का कुछ सवाल? जी बिस्मिल्लाह। सवाल यह है कि इमाम की इंतजार में या उनकी मार्फत कैसे हासिल की जाए? मैं बहुत अच्छा सवाल फरमा। इमाम की इंतजार 2 सवाल, एक सवाल में 2 सवाल। तो इमाम की इंतजार और इमाम की मार्फत कैसे हासिल की जाए? देखो, हमें माजी के सारे किरदार मार्फत इमाम सिखाते हैं। देखो जनाब 72, जनाब सलमान, अबू बशीर, अहमद बिन साहब, हर दौर का किरदार हमें मार्फत इमाम सिखाते हैं। सलमान बताता है कि मैंने कैसे मार्फत इमाम हासिल की। मैसूम कहता है मैंने कैसे। अब मैसूम कहता है मुझे यारी ने फरमाया था मेरी मोहब्बत में ये दरख्त तेरी फांसी। मैंने अली से ये नहीं कहा यारी मैं बनना नहीं चाहता। मार्फत इमाम ये थी जो मेरा इमाम चाहता है वो मुझे कबूल। अपनी मर्जी नहीं, मौला सॉरी ऐसा तो ना करिए, मौला मैं तो मरना नहीं चाहता, मुझे इतना जल्दी मारना चाहते हैं, मैं मदद मांग लेता हूँ, मौला मेरी जल्दी मौत ना करवाए। कहा नहीं, नस हमें तमाम ने हमें मार्फत इमाम सिखाई है। उले रब्बुल हुज्जत खुदा, अल्लाह का नुमाइंदा जो कह दे लब्बैक कहो। अंदाज़े मार्फत इमाम है। अपने मामलात जितने भी तुम्हारी जिंदगी के अपने मौला के सपोर्ट करो, मार्फत इमाम। लोगों को ना बैठ के बताओ यार मेरा ये मसला, मेरी ये परेशानी। आराम से मुसल्ले पे बैठने के बाद जब नमाज पढ़ लो, 2 रकात अदा इमाम ज़मान अदा करके मौला से कहो ये मार्फत मौला मुझे ये परेशानी, ये मसला है, एहसान फरमा, शफकत फरमा दे। अगर यूं नहीं यकीन कोई बात नहीं, एक खत लिख के एक अरीजा लिख के इमाम को डाल दो। उनको ना बताओ जो बाद में बातें बनाए, जो बाद में हंसे। कोई भी तुम्हारा नहीं, खुदा की कसम तुम्हारा कोई नहीं, ना हमारा कोई है, हमारा हम सबका कोई भी नहीं समझा पाया। आसान करके अर्ज करता हूँ, सैयद सरकार हुक्म है अपनी जिंदगी में वसीयतनामा लिखो, वसीयतनामा लिखो। और जब वसीयतनामा लिख लो, हर नमाज के बाद वसीयतनामा पढ़ो। रोजाना पढ़ोगे, सुबह शाम पढ़ोगे, हर नमाज के बाद पढ़ोगे, गौर से पढ़ोगे। एक दिन तो ख्याल आएगा ये माल उसका, ये जायदाद उसकी, ये चीज उसकी, ये उसकी। एक दिन तो ख्याल आएगा सब कुछ तो देखे जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या बचा है, मेरे लिए क्या बचा है। जब ये ख्याल आ जाए मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर यकीन कर लेना मेरे लिए मेरा मौला बचा है और मेरे लिए कुछ नहीं बचा। हुज्जत खुदा साहिब ज़मान, वक्त के इमाम मेरे लिए बचे हैं। फिर जब ये यकीन आ जाए फिर कोशिश करना, उठना भी मौला के लिए, बैठना भी मौला के लिए। कोई आ जाए घर में उसकी खिदमत भी मौला के लिए। दिखावा छोड़ दे कि भी मैं आज गया हूँ तो कल ये भी मुझे, आज मैंने ये मेरे घर आया तो मैंने इसको चिकन खिलाया, मैं कल जाऊँगा हाँ जी मुझे क्या खिलाओगे, नहीं सोच ही ना। हुक्म भी यही है, रहमत इमाम में सदका समझ के खाओ, इमाम का सदका समझ के खिलाओ। जहाँ इमाम का सदका आ जाए वहाँ ये मोर को मुसलमान थोड़े होते हैं, जो इमाम का सदका है वो बिस्मिल्लाह। मार्फत इमाम समझने के लिए कम अज कम करबला को हलक से नीचे उतारना होगा, लागत से बेनियाज इबादत करनी होगी। लागत जहां आ गई वहां मार्फत नहीं आती है, कहीं भी किस्म किस्म की, चाहे वो जन्नत का क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। लालच बुरी बला है, बुरी बला फिर बुरी बलाई होती है। मैंने ये नमाज पढ़ी, मैंने ये अज़ादारी कराई, मैंने ये अज़ादारी सुनी, मैंने ये मातमदारी की, मुझे इसका बदला जन्नत दिया जाएगा, नहीं, बदले से बेनियाज हो जाओ, मार्फत इमाम हो जाएगी। मुझे क्या मिलेगा परवाह ही नहीं, मुझे मौला जो मिल गए। मुझे क्या चाहिए कुछ भी नहीं, मुझे मौला जो मिल गए तो मैं तो मानता ही उनको हूँ जो रखते किसी करे। ये मार्फत ईमान। बंदू का हया, ये मार्फत ईमान का एक और पहलू। बंदू का हया बंदा करता है हम कि मैं इधर बैठा हूँ, मैं अपना मोबाइल खोल के कोई ऐसी चीज नहीं देखूंगा जिससे मुझे ये हो कि ये क्या कहेंगे यार सैयद आया और मोबाइल बैठ के अजीब अजीब चीजें देख रहे हैं। मार्फत इमाम ये है, मैं बंदे का हया तो कर रहा हूँ, मैं इमाम का हया कर रहा हूँ, तो मुझे मार्फत इमाम, मौला का हया करने को मार्फत इमाम कहते हैं। कोशिश करो, कोशिश करो, किसी के ऐब उछालो ना, मार्फत इमाम। आपने कहा तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा वाजे करूंगा, खत्म करो मुकम्मल कर आपके सवाल को, ताकि और सवाल लूं कि मार्फत इमाम है इमाम अल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वाला। आप मुत्तकीन के अमीर है, वाला मुत्तकी की तारीफ क्या है? मुत्तकी किसे कहते हैं? इमाम फरमाते हैं हमारा मुत्तकी वो होता है जो लोगों के ऐब पे पर्दा डाले। लोगों के ऐब उछालना मार्फत नहीं, लोगों के ऐब पे पर्दा डाल के लोगों को मौका देना मार्फत है। और रही इंतजार की बात, इंतजार के हवाले से यही फरमान है, हर लम्हा मुंतज़िर रहो, इस तरह इंतजार करो जिस तरह मौत का करते हो, आने वाला अचानक आएगा। पूछा गया कैसे पहुंचेंगे? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, अगर जिंदा हुए चल फिर रहे हुए तुम्हारे एक कदम वहीं जहां तुम होगे, दूसरा कदम काबा में होगा। बिस्तर पर सो रहे तुम्हें बिस्तर समझ काबा बुला लिया जाएगा। और अगर दुनिया से चले गए, शर्त इंतजार है, घबराना ना, तुम्हारी कब्र पे महदी आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया, और इनाम मिलेगा। नौजवान बच्चों इसमें तशरीफ बेटा मैं फिर कभी करूंगा, इनाम देंगे, इमाम एक तलवार अता करेंगे। तलवार ऐसी देगा हमारा टाइम जिस पे बंदे का नाम बहावल्दी के तरीका होगा। इमाम फरमाएंगे देख तेरे हलाली होने का सब हो। इंतजार हो तो फिर ऐसा हो। इंतजार के लिए सबर, बर्दाश्त, शुक्र ये बड़े जरूरी है। सबर नहीं मसलन बर्दाश्त, सबर क्या है? मसलन मैं रहता हूँ फर्ज करो एक मकान में जो 10-15 मरले का है या 20 मरले का है, और मैंने एक मोमिन को देखा या किसी को देखा, उसका मकान है 5 कनालों पे, और मैं खड़ा होकर देखने लग गया, यह बड़ी बात है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है, इतनी गाड़ियाँ, इतना बड़ा मकान। ये इंतजार है। इंतजार ये है अगर मालिक ने उसको दिया है उसको और दे, जो मुझे दिया मैं शुक्र करता हूँ। इंतजार नहीं, कीड़े निकालना इंतजार नहीं, दुआ करना इंतजार है। किसी मोमिन का ऐब देख के मुसल्ले पे बैठ के उसके लिए रहम की अपील करना इंतजार है। मौला मैंने ये उसका गुनाह देख लिया, दुआ करता हूँ उसके बदले में उस पर रहम करना, ये इंतजार। अपने घर में मामला हो जाते हैं, छोटे मोटे घर के मामला हैं, उनमें इमाम की खातिर बर्दाश्त करना इंतजार है, हो जाते हैं। मर्द को चाहिए, किसी दिन फिर इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा ख्वातीन के हकूक क्या है, मर्दों के इमाम के हवाले से हकूक़ क्या है। औरतों को चाहिए अपने मर्दों को नासिर इमाम समझ के बर्दाश्त करें, मर्दों को चाहिए औरतों को कनीज़ा इमाम समझ के बर्दाश्त करें। सिर्फ इस वजह से छोटी सी जिंदगी है, 40, 50, 60, 70, 80 साल, ये बड़ी जिंदगी नहीं, एक दूसरे को इमाम के लिए बर्दाश्त करना ही इंतजार है। और कोई सवाल पूछिए, बिस्मिल्लाह। मैं पूछना था कि जंग जमल की क्या बात है, वो क्यों लड़ी गई? मैं छोटी सी बात नहीं, बिस्मिल्लाह, सवाल तो सवाल होता है, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा था मौला की मार्फत पे सवाल हो, लेकिन आपने चुके कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फरमा दिया था रसूल ने ऐसा होगा तो वो होना था, माशाअल्लाह। ऐसा होगा कोई आएगी लड़ने तो ऐसा होना था। असबाब क्या हैं? असबाब मुख्तसर से मुख्तसर तरीन मेरे भाई आपने पूछा है, वो ये है अल्लाह की हुज्जत की मार्फत ना होना। अगर अल्लाह की हुज्जत की मार्फत होती तो ऐसा काम ना होता। ये जंग सिफीन में कुरान का नेज़ों पे बुलंद हो जाना और काफी लोगों का मौला को छोड़ देना, ये अदम मार्फत उलिल अमर है। समझ ही नहीं आई नाते कुरान और सामत कुरान में फर्क क्या है, अल्लाह के नुमाइंदे का मकाम क्या है। इसलिए ये मामला उस वक्त होते हैं जब अल्लाह की हुज्जत की मारिफत ना हो। ये तब और किसी का सवाल जी, बिस्मिल्लाह। चुगली और गीबत, अच्छा, चुगली और गीबत ये दोनों ऐसे हैं जैसे चोली दामन के साथी हो। सिर्फ एक चीज कोशिश करो सवाब और गुनाह से जरा थोड़ा आगे सफर करो। भाई हम चुगली करेंगे गुनाह होगा, इससे आगे सफर करो, क्योंकि नफ्स बड़ा कमीना है। ये कहते हैं कोई बात नहीं, आज गुनाह कर ले कल से सवाब करना, कल फिर नफ्स कहते हैं आज फिर कर ले कल करना। नहीं, सिर्फ एक चीज देखो, अगर इस जबान ने चुगली खा ली, गिबत कर ली, ये जबान मादी को लब्बैक कैसे करेगी? इस चीज को सामने रखें, मौला के लिए करें और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये दोनों चीजें रद्द हैं और इनके असरात क्या होते हैं? असरात ये होते हैं, रूहानी हवाले से बता रहा हूँ चूंकि आपने पूछा है इनके असरात क्या होते हैं। इनके असरात चुगली और गिबत के ये होते हैं, बंदा अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, बंदा कायनात में अल्लाह की मखलूक को अहमियत नहीं देता, बंदा गुनाह करते हुए ये एहसास ही नहीं करता कि कोई उसको देख रहा है। ये उसके बड़े बुरे असरात हैं। बंदा गुस्सा करता है जो कि बंदे को जेब नहीं देता, क्योंकि गुस्सा जलाल है, जलाल या अल्लाह को जेब देता है या अल्लाह के पाक हबीब और उसकी आल को, अदरवाइज तो जलाल से इंतहाई नुकसान हैं चोरी और गिबत के। तो कोशिश ये करनी चाहिए वो जबान पाक रहे। देखो हम कोई हमारी कोई गिबत करता है, चुगली करता है, मसलन मेरे पास आए, आप तशरीफ लाए शाह साहब के हवाले से जी, वो आपको पता है आप आए थे सियालकोट और सैयद आपके बारे में बड़ी गिबत कर रहे थे। मैं कहूँगा तुम मेरा कैसा, अब मैं मुझे कहूँगा या मुझे कहना चाहिए तुम मेरा कौन सा सगा है कि तू उसकी बात उठा के मेरे पास ले आया है? तुम मेरा कौन सा सगा है? बात हो सकता है गलत भी हो। जैसे मैं टीवी पे बैठा था, एक सवाल हुआ, एलिमेंट्री में पूरी दुनिया सुन रही थी, लंदन से सवाल हुआ, वहाँ की एक जाकिरा है, वो जाकिरा कहती है मेरी तरफ देखो, और वो कहती है इधर उधर देखा तो मैं मेरा दिल करता तो मैं उठा के फेंक दूँ। बताएं मोहतरम, आप बैठे हैं सवालों के जवाब दे रहे हैं, बताएं क्या एक सफ़े अज़ा पे बैठने वाले मोमिन का ये मकाम है कि पढ़ने वाला उसको उठा के फेंक दे? अब बात तो ये बनती है, नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि मुस्बत फॉर्मल देना है इसलिए मैंने कहा मेरी बहन हो सकता है जो घर से पढ़ने आई हो उसको कोई घर की टेंशन लगी हो, कोई परेशानी लगी हो, कुछ भी तो हो सकता है ना, हर चीज को नेगेटिव तो ना देखे ना। मैंने कहा हो सकता है उस बेचारी को मैं की बीमारी लगी हो, हम दुआ करते हैं अल्लाह उसके अंदर से मैं की बीमारी खत्म करे, जब मैं की बीमारी खत्म हो जाएगी फिर वो इंशाल्लाह नहीं कहेगी कि मेरी तरफ। तो कोशिश करने मुस्बत रहना है, मुस्बत रहना हमारा बहुत जरूरी है, वरना ये मुस्बत ताकत हम कब्र में लेके चले जाएंगे। अल्लाह ने जो हमें ताकत दी कब्र में लेके चले, मुस्बत रहो। एक सवाल हुआ था टीवी पे जी, वो एक नहर है कौन के करीब जो खून से भरी जाएगी, ओ जी नहर भरी जाएगी खून से जी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी मैं क्या कह सकता हूँ, मासूम के फरमान पे मैं क्या दलील दे सकता हूँ? सिर्फ इतना कहूँगा अगर मखलूक खुदा रवैया बदल ले तो मेरा ईमान इरादा बदल ले। इंशाअल्लाह हम अपने आप को जितना बेहतर करेंगे अल्लाह की ये हुज्जत हमारे ऊपर उतना रहम करेगी। जी बिस्मिल्लाह। आपने बोला जनाब कि आंखें हमारी नहीं किसी की अमानत है। बिस्मिल्लाह। ये आंखें जिसकी अमानत हैं, आया ये आंखें उसको देख सकती हैं या नहीं? जी यही सवाल है जी, ये बस एक ही सवाल है बाबा जी, बस मुख्तसर सा जवाब देने लगा हूँ। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, मैं मुख्तसर सा जवाब। बाबा आपने बड़ी खूबसूरत बात की, जिसकी अमानत हो उसको जरूर देख सकती है, मगर उसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि बंदा उसको अपना महबूब समझे, क्योंकि पर्दे में इमाम है मगर पर्दा गैरों से होता है, अपनों से नहीं होता। पूरी मफातिल जुनान में एक दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं, जिसके बारे में आपके छठे इमाम का फरमान है, जो दुआ पढ़ते 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 दुनिया से जो दुनिया से चला जाएगा, इमाम फरमाते हैं मैं वादा करता हूँ वो मर भी गया उसकी कब्र पे मेरा माफ़ी आएगा। ये तोहफा आपके लिए लाहौर से लेके, इसकी कोई कीमत नहीं, सिर्फ इतनी है, पढ़िएगा जरूर और कोशिश कीजिएगा, उर्दू में तर्जुमा जरूर पढ़िएगा ताकि तुम्हें पता चले इमाम तुमसे कहवाना क्या चाहते हैं। ये तो बिस्मिल्लाह कीजिए सवाल जी। ये बुजुर्ग ने बात की आपसे कि मौला की ज़ियारत नसीब होगी कि नहीं जी, इस हवाले से मैं मुझे एक ख्वाब आया था। अच्छा। ठीक है, जिसमें जिस ख्वाब के दौरान ये मैंने मौला के साथ, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ मैंने 3 से 4 दिन स्पेंड किए। अच्छा, माशाल्लाह। उनकी ज़ियारत मुझे नसीब हुई, उनके साथ मुझे खाने का शर्फ उसी ख्वाब में मिला है। ठीक है, उसमें उन्होंने एक दूध का जो है वो जमीन पे छड़ी मारी, अपनी एक दूध वाला आया, मैं देख रहा हूँ पीछे लेटा हुआ कि मौला उठे और वो दूध लेने गए मेरे घर से। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये दूध है, ये क्या चीज है? दूध वाले को तो वो मौला मुस्कुराए, उसने जवाब ना दिया कि ये दूध ही है बुजुर्गों, ठीक है। तो वो मौला ने अपनी छड़ी वहाँ पे मारी और वहाँ से दूध का चश्मा जारी हो गया मेरे सामने ही हुआ है। और मैं मतलब मौला मेरे जा रहे घर के पास, मैं भी किसी के दोस्त के घर गया हूँ और मौला मेरे घर के पास से होके जा रहे, कह रहे कि कोई है जो मुझे बना दे 2 दिन के लिए। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मैं गया, मैंने उनको कहा कि बुजुर्गों आपको, मुझे तो नहीं पता था कि ये मौला है। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी आपने कहाँ जाना है, कहाँ के रहने वाले? कहते बेटा मैं मुसाफिर हूँ, मुझे जगह चाहिए, 3-4 दिन मुझे रहना है। मैंने उनको बुला लिया कि मैं और मेरा दोस्त ही है, आप हमारे साथ स्पेंड कर लेना। मेरे पास रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, रात को ऐसे बैठे हुए तीनों, और मैंने उनसे पूछा जी आप कहाँ से आए हैं? कहते हैं जी मैं नजफ से आया हूँ। तो मैंने कहा नजफ से आए हैं, आपका नाम क्या है? कहते हैं मेरा नाम अली है। मैंने मुस्कुराया, मैं खुश हुआ कि आप मेरे मौला अली हैं, आप नजफ से आए हैं। मैं उनके ऐसे ही उनके सर रख रहा हूँ और उनके साथ बैठा सारी रात बातें करता रहा हूँ। अगले दिन ये देख रहा हूँ कि वो दूध वाला आया है और दूध लिया मौला ने और उस तरह वहाँ से चश्मा जारी किया है। फिर सामने खेत है, खेतों में जाके मौला बैठे हुए, मैं उनके पास आके बैठ गया हूँ। मतलब कि वो जो ज़ियारत हुई है वो क्या रियलिटी में मौला थे, वो क्या थे, मतलब वो उनका नक्श था। इनके हवाले से हमारे पास एक इनका फरमान भी मौजूद है, जिसने हमें ख्वाब की हालत में देखा उसने हकीकत में देखा। क्योंकि चाहने वाले जब कभी परेशान हों, दुखी हों, टेंशन में हों, तो ये कायनात के मसीहा ज़रूर आते हैं। आपको कोई सोच ऐसी होगी, दुनिया तंग करती होगी, घर वाले रिश्तेदार डिस्टर्ब करते होंगे, आप मौला से कोई एक ऐसी बात कर बैठे होंगे, वो वक्त कबूलियत का होगा। बादशाह ने आपको शरफ बख्शा, ये कह के शरफ बख्शा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने आप को तन्हा और अकेला ना समझो। तो खैर से जिसको पसंद फरमाए जरूर शर्फ़े ज़ियारत फरमाते हैं, सबको नहीं फरमाते, जिनको चाहे वो, और आगे भी बंदे की तलब हो तो। क्योंकि अमूमन इसी तरह ही होता है कि मैं मतलब ख्वाब में, वैसे करबला का तो मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं गया हूँ 2 दफ़ा, और वैसे भी मैं अब जब आपने ये देखा होगा, आपको जब जब याद आता होगा आप लुत्फ लेते होंगे, आपकी जिंदगी और खूबसूरत होना शुरू हो गया, उसकी अच्छी चीज। अच्छा रोज, अच्छा हुक्म भी है, उर्फ़ा फरमाते हैं कि रात को वुजू करके बिस्तर पे सो और ये इमाम से बातें करते करते सो, इमाम मिलते हैं रात। हाँ तो ये मैंने अभी कहा, फिर उनसे पर्दा तो नहीं होता।